AK-94 का इस्तेमाल इस घटनाक्रम में हुआ था, यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन, बहुत ही आधुनिक हथियार AK-94 का इस्तेमाल किया गया था। AK-47, AK-56 का नाम आपने सुना है, और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के लिए ये हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। आप ही की खबर है आनंद, दर्शकों तक मैं साझा कर रहा हूं। आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, किस तरह का ये वेपन होता है और क्यों चुना गया सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए ये वेपन? जी देखिए, जो AK-94 गन है ये रशियन बताई जाती है, काफ़ी सपोस्टिकेटेड है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है पंजाब पुलिस के सूत्रों से या चंडीगढ़ इंटेलिजेंस की, कि इसका इस्तेमाल पहली बार शायद पंजाब में किसी गैंगवार के लिए हुआ है, तो बड़ा सवाल ये है। जिस तरह से हमने अभी खालिस्तान मूवमेंट में देखा था कि किस तरह से जो RDX मामला था उसमें जिस तरह से जो सीमा पार से जो वेपन्स आए थे उसमें एक वेपन्स ऐसा था जो RPG जिससे कि अटैक हुआ था पंजाब के जो मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, वो तालिबान मेड थी और उसके बाद जिस तरह से US फोर्स वहां से छोड़ के भागी थी, उसके बाद वो बाया पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब पहुंची थी। तो ये AK-94 जो गन है इसका इस्तेमाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां पंजाब पुलिस इस पे फोकस कर रही है कि ये आकर ये वेपन जो है ये गन आखिर पंजाब तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे के लोग कौन है। तो देखिए ये अरुण, जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि ये गैंगवार रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो लक्की पटियाल है उसने सीधे तौर पर धमकी दी और ये काफी डेस्परेट क्रिमिनल है जो इंडिया के बाहर से इस समय ऑपरेट कर रहा है। जी आनंद, आपकी बात हमने सुनी। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में RDX, RPG, AK-94 की बात हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ही मैंने उन चश्मदीदों से बात की थी जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को गोली लगने के बाद सबसे पहले जो घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिन्होंने पास के मंदिर से एक गद्दा जो उठा के लाए थे जिस पर सिद्धू मूसेवाला के घायल शरीर को रखा गया था और उसके बाद बाद में उनकी मौत हो गई थी। तो उन चश्मदीदों ने क्या कहा, क्या कुछ देखा, आप देखिए News18 India पर चश्मदीदों की जुबानी किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसेवाला गड्डी के पास आए हम, हमने पर देखे पहले सर, हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसेवाले को, उसके भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सर पे लगी थी। हाँ। जो पकड़े बैठा था उसको। हाँ। जो टाकियां तोड़ी गाड़ी की, गाड़ी टाकियां तोड़ने के बाद मंदिर से एक गद्दा लिया हमने। हाँ। गद्दा नीचे बिछा के सिद्धू मूसेवाले को तो वहां डाल दिया। जो लड़के थे दो, उन लड़के को जो पुलिस की गाड़ी आ गई। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस करीबन 10-15 मिनट में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी बात, कितने लोग थे, क्या वो पहले से यहाँ थे या उनके साथ ही आए थे? कौन जी? जो जिन लोगों ने मारा। नहीं सर जी, हम तो पटाखे की बात सुन के, हमको तो उनको तो पता ही है, वो तो भाग गए थे जी। हम तो जो पटाखे की आवाज सुनी फिर आए थे सर जी। अच्छा, आपने गोलीबारी की आवाज सुनी तब आप आए। मेसी सिंह, आपने क्या देखा था जरा बताइए, जरा इधर 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 जी, क्या देखा था हमने कल जब हमने गड्डी देखी? उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी से बहुत ज्यादा, 90% जख्मी सी, दूजे मुंडे ठीक सी, 50% भी है जख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी, तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत हुई थी, 13 अखा खोलिया ने, पहला उल्टी आई अखा खोलने तो पहला उल्टी हुई उनको, उनको उल्टी आई है। अच्छा, और कितनी गोलियां लगी थी उनको आपने देखा? 8-9 गोली लगी हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ लगी थी गोली? 3-4 तो सर पे है, एक सर पे लगी। हाँ, थी दो बांधते नहीं गया। अच्छा, पेट वहाँ पे लगी थी, पेट में लगी थी। और क्या सीने वगैरह में भी सर, ऊपर भी गोली लगी थी? नहीं, ऊपर नहीं, साथियों थले थले लगी हुई। अच्छा, हम खून खून बहुत ज्यादा गिर गया, बहुत ज्यादा मेरे कपड़े गच्चे हो गए। तो ये थे चश्मदीद जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को गोली लगने के बाद गाड़ी से बाहर निकाला था, कोशिश की थी ये देखने की कि क्या वो अभी भी जीवित हैं। और चश्मदीद बता रहे थे कि गोली लगने, 7-8 गोलियां लगने और काफ़ी खून बह जाने के बाद भी वो जीवित थे, उल्टियां हुई थी उनको और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। ये तो हुई घटनास्थल की बात, लेकिन इसको लेकर राज्य में सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दल लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भगवंत मान जो सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे जवाब मांग रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोषी जो भी है, अपराधी जो भी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब की कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था? कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल
कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, यह क्यों किया? जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, दो स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। उसकी मां ने कहा मेरे तीन तीन बच्चे गए हैं, तीन लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके बाद सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है, हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा, जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सजा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज बहुत ही दुखदाई खबर सिद्धू मूसेवाला जी दे सुन के बिल्कुल दिल नू हिलान वाली, जेडे ए दिन दिहाड़े उना दा कतल पंजाब चे होया है। मेरा ख्याल हरेक पंजाबी नू हिला के रखता कि 2-2.5 महीने पहले जिन्नी वड्डी आसां ते उम्मीदां दे नाल इस सरकार पंजाब चे बनी सी ते लगातार इना 3 महीनिया चे जेहो जी चीजां सामने आ रहे, दिन दिहाड़े नशे बिक रहे ने। मैं तो 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवा के लिए, एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाक्य में जिंदगी का खतरा था। आज ही उसके बाप ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं लॉन में सोकर उसकी देखभाल करता था, मेरे को डर लगा रहता था कि आज वहां से कोई ना आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी जिस पर फर्जी नंबर प्लेट था वो फिरोजपुर के शमशेर सिंह की गाड़ी थी। पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया है कि गाड़ी असल में किसकी थी। फिरोजपुर के शमशेर सिंह की ये गाड़ी थी। हालांकि अपराधियों ने, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने बहुत कोशिश की चकमा देने की। उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगाए थे और जिन गाड़ियों से हमले किए गए, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया सिद्धू मूसेवाला की हत्या में, उसका खुलासा हुआ है फिरोजपुर की गाड़ी थी। शमशेर सिंह इस गाड़ी के मालिक हैं जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा करके इस गाड़ी का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया था। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था, चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन
आखिरकार ये पता लग गया है कि फिरोजपुर की वो गाड़ी थी और शमशेर सिंह उसके मालिक थे। कई इस तरह की कई सबूत मिले हैं। आनंद तिवारी की यह खबर है, आनंद तिवारी ने कई इस तरह के सबूतों की बात कही है कि पुलिस को अभी तक मिल गए हैं, जांच एजेंसियों को अब तक मिल गए हैं, जिससे अपराधियों तक जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके हत्या की थी उन तक पहुंचने में आसानी होगी पुलिस को। अब आनंद क्या माना जाए, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी पहचान हो चुकी है? जी देखिए अरुण, ये तो तय है बिल्कुल कि अब जिस तरह से 5 से 6 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो गाड़ी है उनका पता चल चुका है कि वो गाड़ी किस नंबर पे थी, कहाँ की थी, किस एड्रेस पे थी। इसके अलावा पुलिस ने तमाम आसपास के इलाकों का डंप डेटा भी पुलिस ले रही है, जो पूरा सिक्वेंस था, जो पूरा क्राइम सीन था उसके आसपास का। तो धीरे धीरे परतें खुलेंगी जाहिर तौर पर, और जो अभी जो गुर्गे पकड़ाए जाएंगे या जो शार्प शूटर पकड़ाए जाएंगे वो धीरे धीरे खुलासा करेंगे किस तरह से जेल के अंदर बैठ के, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के लारियन बिश्नोई और काला जठेड़ी ने पूरी प्लानिंग रची। इसके अलावा जो कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार है उसने पूरा एग्जीक्यूट कराया, उसने जो फंडिंग है वो करी, और उसके बाद यहाँ पर जो भाड़े के हत्यारे हैं उनसे जो सिद्धू मूसाखेड़ा है उसका मर्डर कराया गया। और ये प्लानिंग जो है, ये मॉडर्स अपरेंडी पहले कई बार रही है। हमने देखा था जिस तरह से मोहाली में दिन दहाड़े जो विक्की मिद्दू खड़ा का मर्डर हुआ था वो भी इसी तरह से हुआ था, जब अपनी गाड़ी से उतर रहे थे अचानक से घात लगाए बदमाश आते हैं और वो सफोस्टिकेटेड वेपन से ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो सीसीटीवी सबसे पहले न्यूज 18 ने चला था, वो कितना भयानक था, इसमें देखा जा रहा था कि जो बदमाश है वो कितने एक्सपर्ट हैं गन चलाने में, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो विक्की मिद्दू खड़ा उसका कत्ल कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अरुण, ये गैंगवार रुकने वाली नहीं है, ये बदलापुर जो है लगातार पंजाब में जारी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लकी पटियाल है उसने जो पोस्ट भेजी और जो उसका डोजियर है वो दिखाता है कि उसके गैंग में कितने सारे गैंगस्टर हैं जो पंजाब में शामिल हैं। तमाम लोगों के फोटो उस डोजियर के अंदर मौजूद है जो दिखाते हैं कि कितना डेस्परेट है जो इस समय भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहा है गैंग। और उसने धमकी दी है कि जरूर जिस तरह से हमारे भाई जो बड़े सिंगर का मर्डर हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर अभी आने वाले वक्त में ये गैंगवार रुकने वाली नहीं है और इसके सीधे तार दिल्ली राजधानी दिल्ली से जुड़ते पाए गए हैं, क्योंकि तिहाड़ में बैठ के पूरी प्लानिंग रची गई। तिहाड़ के अंदर से लारियन बिश्नोई जो है और काला जठेड़ी ने पूरी प्लानिंग रची, और ये आज से नहीं, जब से विक्की मिद्दू खड़ा का मर्डर हुआ था तब से लारियन बिश्नोई और उसके गैंग के लोग घात लगाए हुए थे। तमाम वो प्रयास में थे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया जाए। आनंद, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सूचना दे रहे हैं कि खुफिया इनपुट इस बात के हैं और जिस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए विरोधी गुट एक दूसरे को धमका रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां बरसाने का दावा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या पुलिस ने, खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत कोई और प्लान तैयार किया है कि और आगे पंजाब में ब्लडशेड ना हो, इस तरह से खून सड़कों पर ना बहे, इस तरह से लोग डरे ना, भयाक्रांत ना हो, इस तरह से लोगों में दहशत ना हो, क्या इस तरह का कोई प्लान खुफिया एजेंसी या पुलिस के जरिए बनाया जा रहा है, और क्या दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस स्पेशल सेल इस मामले में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल अरुण, इसके पहले एक जानकारी देना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि जो सिद्धू मूसेवाला थे उन्होंने लगातार हाल में ही 2-3 अपनी वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दावा किया था कि उनकी जान को खतरा, उन्हें धमकियां मिल रही है और उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। कहीं ना कहीं ये लैब से पंजाब पुलिस का, कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस यूनिट का, कि उस बात को क्यों नजरअंदाज किया गया जब एक बड़ा सिंगर है उससे धमकियां मिल रही हैं, उसके पीछे तिहाड़ जेल के बड़े गैंगस्टर लगे हुए हैं। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं था कि इसे रोका जाए, कोई ऐसी इनपुट्स क्यों नहीं थे इंटेलिजेंस के कि अगर इतनी बड़ी प्लानिंग रची जा रही है जिसमें कि इंडिया के बाहर का वेपन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसे पंजाब तक पहुंचा है। और अगर अरुण थोड़ा हम पीछे जाएं, खालिस्तानी मूवमेंट की बात अगर हम करें कि किस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान बेतहाशा तादाद में जो है वो ड्रोन से अमूमन हर दूसरे दिन जो है वो, अगर बात करें तरन तारण की बात करें या पंजाब से जो बिल्कुल लगे हुए बॉर्डर है पंजाब पाकिस्तान के, वहाँ पे ड्रोन के जरिए रोजाना जो है वो ड्रग्स है, हथियार है, वो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, जो आईडी है वो पहुँचाई जा रही है। और इसमें केवल पंजाब के उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो ड्रग्स के आदि हो चुके हैं, उन्हें गैंगस्टर बनाया जा रहा है। तिहाड़ जेल के अलावा जो पंजाब की जेलों में बंद जो गैंगस्टर है, छोटे छोटे जो प्रेटी जो छोटे छोटे क्राइम में जो बदमाश जो है वो शामिल होते हैं, उन्हें पैसे के लालच में जो है वो आनंद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, और न्यूज 18 इंडिया पर यह बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने साजिश रची थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, और यह पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था तिहाड़ जेल में।
आनंद आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बड़ी खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप तिहाड़ जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, उसका सरगना वहां पर बैठा हुआ है, गोल्डी फरार कनाडा में बैठा हुआ है। एक बात जरा दर्शकों को बताइए और जरा हमें भी समझाइए कि जेल के अंदर जहां पे फोन अलाउड नहीं होता है, जहां पर बहुत कम मुलाकातियों को ऐसे दुर्दांत अपराधियों से मिलने दिया जाता है, वहां से कैसे गैंग चला सकते हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे लॉजिस्टिक उपलब्ध करा सकते हैं इस तरह के जो अपराधी हैं। देखिए अगर आप अरुण थोड़ा पीछे जाएं तो बीच में राजस्थान पुलिस जो है उसने कस्टडी ली थी लॉरेंस बिश्नोई की। काफी लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई जो है वो राजस्थान की जेल में बंद रहा था, तमाम मुलाकाती उससे मिलने आते थे और यही एक माध्यम होता है तब जो मैसेज जो है वो पहुंचाया जाए, क्योंकि मुलाकाती एक जो भी कैदी होता है उसका लीगल राइट होता है और यही वजह होती है कि उस मुलाकात के समय ही कई कोर्ट वर्क के जरिए बात की जाती है। और देखिए तिहाड़ जेल या हिंदुस्तान की कोई भी जेलों की बात की जाए, वहाँ पे कितने ही जेमर लगा ली जाए, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लगातार वर्चुअल नंबरों के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कई अलग अलग ऐप्स के जरिए जो है वो कैदी जो है वो जेल के अंदर से बात करते हैं। और पंजाब में हमने देखा नाभा जेल ब्रेक जब हुई थी उसमें भी लगातार जो अंदर से जो खूंखार गैंगस्टर थे वो नाभा जेल के अंदर थे, फोन पे लगातार बात कर रहे थे और उसके बाद किस तरह से नाभा जेल ब्रेक हुई जिसमें जो आतंकी थे उन्हें छुड़ा के ले जाया गया और जिसमें कश्मीर सिंह है जो आज तक फरार है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तलाश कर रही थी। तो आनंद ये भी एक अजीब बात है कि जेल में रह के जिसको पुलिस ये मानती है, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि उनको काबू कर लिया गया, अब उनसे कोई खतरा नहीं, वो जेल में रह के भी इस तरह की बड़ी वारदात या हत्या की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर सी बात है इस पर भी पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को सोचना होगा कि इस तरह के अपराधियों से कितने लोगों को मिलने दिया जाए और अगर वो मिलते हैं जो बातचीत करते हैं क्या उस पर नज़र रखी जाए, और अगर नज़र रखी जाती है तो इस तरह के संदेश कैसे बाहर आ जाते हैं।